शनिवार के दिन नक्सली मन लेके आई बड़का खबर। नारायणपुर के अमदाई घाटी आयरन और माइनिंग एरिया में नक्सली मन करीन हमला। चार गाड़ी मन में नक्सली मन करीन आगजनी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवान मन घलो करीन फायरिंग। रुक रुक के कई घंटा तक हुई मुठभेड़। राजधानी के भारत माता चौक में हुई दर्दनाक सड़क हादसा। आगू आग तेज रफ्तार कार ल बचाए के चक्कर में पलटीस देवभोग दूध ले भरे डीआई वाहन, जेमा ड्राइवर के हुई मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के है मामला। बेमेतरा जिला में मूलभूत सुविधा ले संबंधित शिकायत मिले में जिला अस्पताल के निरीक्षण में पहुंची किसान नेता योगेश तिवारी। जिहां निरीक्षण के दौरान कई मरीज मन वार्ड में पानी नहीं आए के करीन शिकायत। किसान नेता अस्पताल के हर वार्ड में घूम के उहां के समस्या से हुई अवगत। उन्हें समर्थक मन के संग कलेक्ट्रेट पहुंच के कलेक्टर भुस्कर विलास संदीपान ला ज्ञापन सौंप के समस्या के तुरंत निराकरण करे के कही बात। कवर्धा के साधना नगर में हाई टेंशन तार ले गिरे ले एक गर्भवती महिला के हुई मौत। अपन किराना दुकान में बैठे रही महिला ए दौरान दुकान में गिरी बिजली तार, जेकर ले करेंट के चपेट में आए ले महिला के गई जान। उन्हें परिजन है विद्युत विभाग ऊपर लापरवाही के लगाए आरोप और मुआवजा के करत मांग। कोरबा जिला के उर्गा बस स्टैंड में राजस्व अमला और पीडब्ल्यूडी विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बेजा कब्जाधारी मन ऊपर करे गई ताबड़तोड़ कार्यवाही। बता दें कि उर्गा बस स्टैंड में लोगन की सुविधा पर नाली निर्माण के चलाते कार्य, लेकिन व्यापारीगण मन नाली निर्माण में करत रहीन व्यवधान उत्पन्न। जिला देखत हुए राजस्व विभाग ने बेजा कब्जाधारी वाला मन के ऊपर कार्यवाही के गिराई गाज। कोंटा के पूर्व विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के कोरोना के वजह ले स्थिति है नाजुक। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मनीष कुंजाम ला राजधानी स्थित रामकृष्ण अस्पताल में कराए गए भर्ती। सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल हम मनीष कुंजाम ले फोन में करी चर्चा। राजधानी के डीडी नगर इलाका में परिजन ला घर में बंधक बना के लाखों के लूट के वारदात आई साकू। जी हाँ, हेलमेट गैंग दंपत्ति है कोरोना वैक्सीन के चेकिंग के नाम में लूट के करी वारदात। आरोपी दंपत्ति है घर के परिजन ला बंधक बना के 4 लाख रुपया के जेवर समेत नकदी लेके हुई फरार। पुलिस अब मामला के तफ्तीश करी शुरू। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी पार्षद और एनएसयूआई नेता के बीच मारपीट के मामला आइस आगू। बताया जाते कि शादी समारोह में गाड़ी पार्क करे लले के आपस में भिड़ित बीजेपी पार्षद दूधनाथ और एनएसयूआई नेता शुभम जायसवाल, जेकर बाद दोनों के बीच हुई जम के मारपीट। मामला लले के दोनों पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करी पुलिस। भिलाई के कुर्सीपार इलाका में मिली डेंगू के एक और संदिग्ध मरीज। तकरीबन 14 बच्चर के मरीज के जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बच्चर 2018 में इलाका में डेंगू हबर पायर इस कहर। जिला ध्यान में रखत हुए हरकत माइस निगम प्रशासन। छेड़छाड़ और आवारागर्दी के मामला में अब पुलिस हुई सख्त। लगातार चलत है धरपकड़ की कार्रवाई। बिलासपुर सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पंधी में पानी लेहे पर गए एक नाबालिग युवती का गाँव के युवक भूपेंद्र कुमार करी छेड़छाड़। प्रार्थी के शिकायत में सीपत पुलिस युवक लकड़ी गिरफ्तार। थाना प्रभारी राजकुमार सोरी के निर्देश में SI अमृतलाल साहू के योगदान रही सराहनीय। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी मन शुक्रवार के रायपुर कलेक्टर ले करी मुलाकात। सबो मन जिला प्रशासन ले मांग करे के बस की किराया बढ़ाए जाए लले के सरकार देवा एक अति ध्यान। ज्ञापन लिखे गए के केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल के दाम में करे जाए वाला बढ़ोतरी के वजह ले बस संचालन करना अब हुआ मुश्किल। राज्य के 1,08,000 बस संचालक मन के व्यवसाय बुरा तरह ले हो गए प्रभावित। कोरिया में 137 किलो अवैध गांजा के संग आरोपी चढ़ी पुलिस के हत्थे। बोलेरो और सफारी गाड़ी में उड़ीसा ले करत रही अवैध गांजा के तस्करी। चिरमिरी और खड़गवा पुलिस के संयुक्त कार्रवाई ले तस्कर मन में मची सड़कम। बालोद में कृषि विभाग करी बड़का कार्यवाही। 300 बोरी नकली खाद करे गई जब्त। छेड़िया गाँव के घटना। खाद जब्त कर दुकान ला करे गई सील। नागपुर ले मंगाए रही खाद। व्यापारी कुशल साहू छेड़िया गाँव के रहैया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन निवास कार्यालय ले भिलाई नगर के नेहरू नगर में अत्याधुनिक सुविधा मन ले लैस फिजियोथेरेपी सेंटर के करीस वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री ए अवसर में सेंटर के संचालक अविनाश कुशवाहा समेत उपस्थित सबो लोगन ल दीस बधाई और शुभकामना। मास्क के प्रति लोगन ल जागरूक करे बर पुलिस के 3 दिवसीय मेरा मास्क मेरी जिम्मेदारी अभियान के हुई आगाज। बिलासपुर के नवा डी चौक में सीपत थाना प्रभारी राजकुमार सोरी के मार्गदर्शन में लोगन ल मास्क के महत्ता समझात हुए पहनाए गई निःशुल्क मास्क। व्यापारी मन कना ग्राहक ल बिना मास्क के सामान नहीं दे जाए के करे गई अपील।
थाना क्षेत्र के सब्बो प्रमुख चौक चौराहा मन में चलाए जाही अभियान। मौका मां प्रधान आरक्षक विजय कुमार शर्मा, लाल बहादुर कुर्रे, चंद्र प्रकाश भारद्वाज, राम बघेल समेत अन्य स्टाफ के लोग रहे मौजूद। नारायणपुर कलेक्टर है जिला में प्रतिदिन रात्रि कालीन नाइट कर्फ्यू लागू करे के साथ साथ हर शनिवार के संपूर्ण लॉकडाउन के साथ सबो दुकान मल्ला पूर्णतः बंद करे के आदेश करे रही जारी। शनिवार के लॉकडाउन के उल्लंघन करे में 6 दुकानदार मन ऊपर नगर पालिका दल के द्वारा 3500 रुपया के लगाए गए जुर्माना। दुर्ग रेंज के IG रह चुके और ACB के पूर्व चीफ GP सिंह के घर रेड की कार्रवाई जारी। मिलिस राज्य के अंदर और बाहर 5 करोड़ रुपया से अधिक के संपत्ति। तीसरा दिन भी 15 ठिकाना में कार्रवाई जारी। गोधन योजना ला ले के पूर्व CM रमन सिंह सरकार ऊपर एक बार फिर साजिश निशाना। कहिस के 2 रुपया किलो गोबर खरीद के ओला किसान मन ला 10 रुपया में वापिस बेचना किसान मन संग है अन्याय। कहिस के कोई भी सरकार किसान मन ला खरीदी बर नहीं कर सके बात। बिलासपुर के रतनपुर मां मेरा मास्क मेरी जिम्मेदारी के तहत लोगन ला करे गई जागरूक। कोरोना के तीसरैया लहर ले बांचे खातिर रोटरी क्लब बिलासपुर, किराना व्यापारी संघ रतनपुर और रतनपुर थाना स्टाफ मन निभाई अपन सहभागिता। ये जम्मो झन महामाया चौक ले ये अभियान की करी शुरुआत। ये दौरान नगर के जम्मो दुकान मन में जाके दिए गई समझाइश। दुकानदार और रास्ता चलैया लोगन लंकर द्वारा पहनाए गई मास्क, जिमा लगभग 500 लोगन ला निःशुल्क करे गई मास्क वितरण। ये अभियान में रोटरी क्लब बिलासपुर के अर्चना अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, थाना प्रभारी हरविंदर सिंह, रामलाल सोनवानी रहिन शामिल। कोरिया में मजदूरी के मांग ले के ग्रामीण मन पार्क रेंजर के रोकिन रास्ता। कई घंटा तक ग्रामीण और पार्क कर्मी मन के बीच हुई घमासान। पाछू 1.5 बछर ले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के कई काम के मजदूरी है लंबित। मजदूरी भुगतान नहीं हुए के चलत ग्रामीण मन है आक्रोशित। कई आवेदन दिए के बाद भी नहीं हुए है भुगतान। रायपुर तिलदा नेवरा मुख्य मार्ग में नगर पालिका के आगू अज्ञात वाहन के चपेट में आए ले 7 भैंस की हुई मौत। बीते रात के बताए जाते घटना बिहनिया बेरा लोगन ला हादसा की हुई जानकारी। तिलदा ले लगे कोका गांव के बताए जाते 7 भैंस। राजधानी रायपुर ले एक बड़का खबर आई आगू। मिले जानकारी के मुताबिक एम्स के छात्रा फांसी लगा के करी खुदकुशी। उन्हें घटना के सूचना मिला थी मौका में पहुंचे पुलिस सुसाइड नोट भी करी बरामद। बताया जाते कि बिलासपुर के निवासी रही युवती BSc पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्रा रही मृतिका साक्षी दुबे के रूप में हुए है मृतिका के शिनाख्त। आमानका थाना क्षेत्र के है पूरा मामला। अब बेरा है छोटपुन ब्रेक लेके अपन देखा रहा अपन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।